मेरा नाम प्रेम राज्या है। मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। मैं आज पौधों के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक बीज पत्री पौधा और द्वि बीज पत्री पौधों की पहचान। एक बीज किसे कहते हैं? एक बीज पत्री जिसके भी दो टुकड़े नहीं है। द्वि बीज पत्री जिसके भी दो भाग में बढ़ते हैं। एक बीज पत्री पौधा का जड़ रेतेदार जड़ होता है जो एक ही जगह से निकलता है। ऐसे द्वि बीज पत्री पौधा का जड़ मूसला जड़ होता है जिसका जड़ एक ही जड़ बहुत बड़ा होता है और उसके सहायक जड़ होते हैं। एक बीज पत्री पौधा का तना अशाखित होता है जिसमें कोई शाखा नहीं पाया जाता। द्वि बीज पत्री पौधा का शाखा शाखित होता है जिसमें शाखा पाया जाता है। जैसे किसी पौधे का नाम लो। जैसे नीम बरगद पीपल बेर। ये सब क्या है? शाखित। एक बीज पत्री पौधा का पत्ता समानांतर शिरा विन्यास होता है जो समानांतर शिरा वाला होता है। द्वि बीज पत्री पौधा का पत्ता जालिकावत होता है जिसमें बहुत जाल पाया जाता है। एक बीज पत्री पौधा का बीज जो दो भाग में नहीं बढ़ते भुट्टा चावल धान केला नारियल। द्वि बीज पत्री पौधा का बीज जो दो भाग में बढ़ते हैं मूंग चना राजमा मूंगफली। एक बीज पत्री पौधा का नाम मक्का धान गेहूं केला नारियल आदि। द्वि बीज पत्री पौधा का नाम नीम आम चना मूंगफली आदि। मटर क्या? एक बीज पत्री की द्वि बीज पत्री? द्वि बीज पत्री क्यों? द्वि बीज पत्री क्यों है? मैं क्योंकि उसका फल दो भाग में बढ़ता है। फल बढ़ता है कि बीज बढ़ता है? बीज।